मुजफ्फरनगर में शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ पूरा शहर दौड़ पड़ा। जीआईसी मैदान से जज्बा आर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने हर्ष और उल्लास के साथ हिस्सा लिया। 125 साल के बुजुर्ग धर्मपाल प्रमुख आकर्षण रहे। दौड़ की समाप्ति पर विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित हुए। दौड़ CDS जनरल विपिन रावत को समर्पित रही। समर्पित युवा संगठन के तत्वाधान में शनिवार सुबह GIC मैदान से जज्बा आर्ट दौड़ का आयोजन किया गया। CDS जनरल विपिन रावत को समर्पित इस दौड़ में शहर के बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक ने उत्साह से हिस्सा लिया। सभी के उत्साहवर्धन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश कपिल देव अग्रवाल भी दौड़े। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दौड़ वापस GIC मैदान में ही समाप्त हुई। आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे देश भर में मन रहा है, उसी के अंतर्गत जो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जज्बा दौड़ अमित पटपटिया जी, सत्यनारेशु जी, इनकी पूरी टीम, ये सब मिलकर के हजारों लोग, हजारों नौजवान बेटियां, बच्चे और शहर के सब सम्मानित लोग, डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे केंद्रीय मंत्री, ऐसे सब मिलकर के इस दौड़ में दौड़ेंगे। शानदार दौड़ पूरे शहर के अंदर देशभक्ति के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए ये दौड़ प्रतिवर्ष होती है। इस बार और अधिक उत्साह के साथ ये शानदार दौड़ रही है। सभी प्रतिभागियों को और समर्पित की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश को समर्पित 8वीं जज्बा दौड़ ये देश के उन महान लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राण दे के, अपने विचार दे के देश को आज़ाद करा, और ये जज्बा हम आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर देना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर के कहां-कहां से बच्चे आ रहे हैं, किस स्कूल से? मुजफ्फरनगर के भी और मुजफ्फरनगर के आसपास के जिलों से भी, कई जिलों से बच्चे आए हुए हैं यहां पे। 126 साल के धर्मपाल जी ममाना से आए हुए हैं। दौड़ समाप्ति के उपरांत GIC मैदान में सजीव मंच से देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित हुए। GIC मैदान पर लगा राष्ट्रीयता का प्रतीक 131 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मंच से राष्ट्रीय एकता और भारत माता की जय और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दूसरे नारे लगे तो मौजूद लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना हिलोरे लेने लगी। GIC मैदान के वातावरण में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा घुलता दिखाई दिया।